सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोलिशा परमार फ्रॉम ज्ञान उदय ज्ञान, स्टार्टिंग दी न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. यानी इस क्वेश्चन में हमको फिगर दिए हुए हैं और हमें एक्स का एंगल फाइंड करना है. सो अवर फर्स्ट ए इज, अगर आप इधर फिगर को देखें तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर क्यों है, क्योंकि इसके कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, है ना. और वी नो डैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360. सो वी राइट हियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज व्हाट, 360 डिग्री, राइट. अब हमको क्या करना पड़ेगा, सारे एंगल्स को सम करना पड़ेगा. सो फर्स्ट इज 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एक्स, क्योंकि एक्स को हम, ये हमारा एंगल है तो हम इसको भी यहाँ लिख लेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री. ना अब हम इसे प्लस करेंगे, सो 0 0 0. Now 3 + 2 = 5 and 5 + 5 = 10. 1 carry 1 1 1, so it will be 300 degree plus x. X की वैल्यू हमें नहीं पता, so we write as x 360 degree. अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, so x हमारा एक तरफ आ जाएगा. Now 360 degree, अब 300 हमारा अपोजिंग साइड में आएगा, सो इट विल बी 3 - 300 डिग्री. नाउ 360 - 300, इट विल बी 60 डिग्री. तो मींस एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, 60 डिग्री. तो यानी जो हमारा इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं होगा, इधर हमारा क्या होगा, 60 डिग्री. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले हम फिगर देखेंगे, सो इट वॉज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स, ठीक है. सो वी नो डैट द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. सो वी राइट हेयर सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. अब इधर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, लेकिन इधर आपको एंगल नहीं दिया गया है, एक्सटीरियर में एंगल दिया हुआ है. तो इधर हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री. अब हमें इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करना होगा. अगर आपको इस तरीके से 180 डिग्री के लाइन पर आपको अगर कोई दो एंगल मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर में क्या होता है, टू एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो इधर आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके का एंगल दिया हुआ है, मींस इट वाज 90 डिग्री. तो अगर हम इंटीरियर एंगल को ए मान लेंगे, सो 90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो इफ वी फाइंड ए, सो 180 - 90 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री. तो मीन्स हमारा जो ये एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री. नाउ अब हम प्लस करेंगे सारे एंगल्स को, सो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री. Now we plus 8, so 9 plus 7, 16, and 16 plus 6, 22, so 22 and 0, so plus 6x equal to 360 degree. अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, so x हमारा इधर आ जाएगा, 360 degree minus 220 degree, so 0, 0, 6 minus 2, 4, 3 - 2 = 1. So means our x की वैल्यू इज 140 डिग्री.
नाउ कमिंग टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इधर अगर हम फिगर देखें तो ये फिगर हमारा क्वाड्रिलेटर नहीं है, ये पेंटागन है बिकॉज इट हैज़ 5 साइड्स, है ना। अगर आप इधर देखें सो 1, 2, 3, 4 एंड दिस वॉज 5। तो अभी हमको क्या एंगल सम प्रॉपर्टी पेंटागन की नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो अब हमें पता है किसी भी एंगल सम मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, राइट। अब एन क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5। सो वी पुट हेयर 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। सो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री, सो 18 3 जा 54 एंड 0। सो मीन्स एंगल सम कितना है पेंटागन का, 140 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सो हमारा पेंटागन का एंगल सम मेजर कितना है, 540 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो हमने अभी फाइंड किया है क्या, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पेंटागन, वी मेड हियर पेंटागन व्हाट, 540 डिग्री। अगर आप इधर एंगल्स देखें तो एक एंगल हमको 30 दिया गया है, दो एंगल हमको x दिए गए हैं। अब इधर हमको इंटीरियर एंगल दिया नहीं है, हमको एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, तो हम इधर इसको लीनियर पेयर की मदद से ही फाइंड करेंगे। सो अगर हम हमारे इधर दो लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक लीनियर पेयर ये है और दूसरा लीनियर पेयर ये है। सो लीनियर पेयर का मतलब क्या है, एंगल सम, सॉरी द बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर हम इस एंगल को ए मान लेंगे, सो ए प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो ए की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी, 18 माइनस 7 11 एंड 0। सो मीन्स हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा क्या निकल कर आया, 110 डिग्री। ये हमारा क्या था, पहला लीनियर पेयर था। अब हम दूसरा लीनियर पेयर निकालेंगे, नाउ इसको हम क्या मान लेंगे, बी एंगल मान लेंगे। सो बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सो बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। नाउ 18 माइनस 6 12 0। सो मीन्स ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हमको सारे एंगल्स मिल चुके हैं, तो अब हम सम कर लेंगे। सो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x एंड x इक्वल टू 540 डिग्री, राइट। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, सो 0 0 इधर 0 आ जाएगा, 3 0 है, सो इट विल बी 3 एंड 6 एंड 1 प्लस 1 2, सो 260 डिग्री प्लस, अब इधर आप देख सकते हैं x प्लस x है, तो हम इसको 2x लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 540 डिग्री। अब हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ये मैंने इधर रख लिया है, सो 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, 2x इक्वल टू, अब हम इसको माइनस करेंगे, सो 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री 0 8 एंड 2, सो मीन्स 280 डिग्री। अब इधर 2x इक्वल टू 28 है, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 280 डिग्री अपॉन 2, राइट। तो अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 टू 4 ज़ा 8 एंड 0, सो मीन्स x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 140 डिग्री।
So this was the answer of the C part of this question. Now coming to the D part of this question. अब इधर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, पेंटागन है, बिकॉज इट हैज फाइव साइड्स. सो वी नो डैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू व्हाट, 540 डिग्री. अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमको सिर्फ एक ही एंगल दिया गया है x, बाकी एक भी एंगल हमको नहीं दिए गए हैं. तो अब हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप इधर देखें सो इट वाज व्हाट, अ रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर क्यों है, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ये जो आपको मार्क दिए हुए हैं ना, ये किसका सिंबल है कि सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं. तो मीन्स अगर एक एंगल x है तो सारे एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे. सो इफ वी प्लस, अगर हम x को 5 टाइम प्लस करेंगे सो इट विल बी 5x, राइट. सो 5x इक्वल टू 540 डिग्री. अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो x इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 5. हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो 5 वन ज़ा 5, नाउ 5 वन ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40, तो ये दो टर्म्स में आ रहा है, सो वी विल टेक 0 8. सो मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई, 108 डिग्री. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.